हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करें कि फेसबुक पेज को डिलीट कैसे करें, परमानेंटली बंद कैसे करें। जैसे कि आपने अनजाने में आकर या फिर आपने गलती से फेसबुक पर अपना पेज बना दिया है, जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। आप सिर्फ एक क्लिक में अपने मोबाइल से फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हो, परमानेंटली बंद कर सकते हो। कैसे करेंगे, बस छोटा सा प्रोसेस होगा, छोटी सी वीडियो होगी, बस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। अब बात करते हैं प्रोसेस की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू में आ चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है, प्रोफाइल नहीं है, मेरा पेज है। सबसे पहले मैं आपको अपना पेज दिखा देता हूँ। मैंने अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं, ये मेरे फेसबुक पेज का नाम है अनुपम पाठक टेक्निकल। ये मेरा फेसबुक पेज है जिसको मुझे परमानेंटली डिलीट करना है, हमेशा के लिए बंद करना है। तो पहले आपको अपना फेसबुक पेज ओपन कर लेना है। देख सकते हैं, मैंने अपना फेसबुक पेज ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको मेन्यू पर क्लिक करना है। मेन्यू पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मेन्यू में जाना है। मैं यहाँ पे अपने मेन्यू में आ चुका हूँ। मेन्यू में आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स का। देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स का। सिंपल भी आपको इस पर क्लिक करना है, सेटिंग वाले आइकन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब देखो आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको गलतियां नहीं करनी है, बस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप समझ पाओगे। अब यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा पेज सेटिंग, ये वाला पेज सेटिंग। सिंपल भी आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब देखो आप पेज की सेटिंग्स में आ जाओगे। आपको एक एक सेटिंग यहाँ पर ध्यान से समझनी है। पेज सेटिंग्स में आ गए, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आएगा, फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेस एंड कंट्रोल। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एक्सेस एंड कंट्रोल। सिंपल भी आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब देखो आपको 2 सेकंड का वेट कर लेना है। जैसे आप 2 सेकंड का वेट करोगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन। यहाँ से आप अपने फेसबुक पेज को डीएक्टिवेट भी कर सकते हो और परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, जो भी करना है आसानी से कर सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना है डीएक्टिवेशन और डिलीशन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब देखो आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपको 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है डीएक्टिवेट पेज। अगर आप अपना फेसबुक पेज कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। अगर परमानेंटली डिलीट करना है, हमेशा के लिए बंद करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है डिलीट पेज पे। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप 2 सेकंड वेट करोगे, अब आपके सामने ऑप्शन आएंगे। अब देखो अब फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आप अपना फेसबुक पेज क्यों डिलीट कर रहे हो। आपको यहाँ पे एक रीजन देना है, एक आपको रीजन देना पड़ेगा। कुछ भी रीजन दे सकते हो, जैसे कि मैं देखो यहाँ पे दे देता हूँ ये वाला, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, यानी मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम फेसबुक पर स्पेंड कर देता हूँ, इसलिए मैं अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, 2 सेकंड का वेट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है परमानेंटली डिलीट पेज। आपका फेसबुक पेज परमानेंटली डिलीट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से कर सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। आपके फेसबुक पेज पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, फोटोज, वीडियो, सारा डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो। अगर अपना डाटा ट्रांसफर करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके ट्रांसफर भी कर सकते हो, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे अपना डाटा सारा डिलीट करना है। आप अपने हिसाब से कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, 2 सेकंड का आपको वेट करना है। अब देखो यहाँ पर आपका फेसबुक प्रोफाइल आएगा। फेसबुक प्रोफाइल, जिस फेसबुक अकाउंट का यूज करके आपने फेसबुक पेज बनाया है, वो फेसबुक अकाउंट यहाँ पर आएगा। मेरा फेसबुक अकाउंट अनुपम पाठक, जिसका यूज करके मैंने पेज बनाया था। अब मैं इस पेज को डिलीट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब कौन सा पासवर्ड, आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड, जो आपका फेसबुक अकाउंट है जिसका यूज करके आपने पेज बनाया है, उस अकाउंट का पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और देखो ये पासवर्ड डालना कंपलसरी है, विदाउट पासवर्ड के आप अपना फेसबुक पेज डिलीट नहीं कर सकते जिंदगी भर। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी आपका फेसबुक पेज डिलीट होगा। ये फेसबुक की पॉलिसी है, आपको माननी पड़ेगी। अब देखो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता फेसबुक अकाउंट का, तो इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि फेसबुक का पासवर्ड कैसे पता करें, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके उस वीडियो को देखो और अपने फेसबुक का पासवर्ड पता करो आसानी से। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड डालने के बाद आपको ऑनली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंपल वे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपका फेसबुक पेज परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो दोस्तों देखो, मुझे यहाँ पासवर्ड नहीं डालना, मुझे अपना फेसबुक पेज डिलीट नहीं करना। मैं आपको डेमो दिखा रहा था आप किस प्रकार से अपना फेसबुक पेज डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।